मोटरसाइकिल पे एक बैग में 11 पिस्टल और 22 मैगजीन और 15 लाइव कार्टेज के साथ आ रहे थे बेचने के लिए। कुलदीप और मुकेश कुमार हैं जो दोनों कोसी मथुरा के रहने वाले हैं। और भाई गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट 17 अपने गुप्त सूत्रों की मदद से दो अंतर्राज्यीय हथियारों के सौदागरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। काफी समय से हम इस चीज के पीछे लगे हुए थे कि कुछ लोग हथियार जो सप्लाई करते हैं वो हम उनको पकड़ पाए, और उसी कड़ी में हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 17 में बेहतरीन काम करते हुए दो हथियारों के जो तस्कर थे उनको गिरफ्तार किया, जिनके नाम कुलदीप और मुकेश हैं। ये दोनों यूपी के रहने वाले हैं और ये एक मोटरसाइकिल पे एक बैग में 11 पिस्टल और 22 मैगजीन और 15 लाइव कार्टेज के साथ आ रहे थे बेचने के लिए, जिनको हमारी टीम ने इंटरसेप्ट किया और उनको काबू करके उनकी तलाशी में हमने ये 11 पिस्टल, 22 मैगजीन और 15 कार्टेज लाइव इनसे बरामद की हैं। इनकी पूछताछ पे इन्होंने बताया कि हम यूपी, हरियाणा और दिल्ली इस तरह के हम जगह पे क्राइम के लिए सप्लाई करते हैं और इसमें मोटा मुनाफा कमाते हैं। 15-16 हज़ार में एक पिस्टल खरीदते हैं आगे से और यहाँ पे 50-60 हज़ार तक एक को बेचते हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े दोनों आरोपियों को जरा गौर से देखें। आपको देखने में तो ये बहुत ही सीधे और सज्जन लग रहे हैं, लेकिन अब आप इनकी असली हकीकत भी जान लीजिए। मुंह पर मास्क लगाए खड़े ये दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के रहने वाले कुलदीप उर्फ सीएम व मुकेश। अब आप इनके बारे में यह जानने के लिए बेचैन हो रहे होंगे कि आखिर इनका जुर्म क्या है, तो अब आप ये भी सुन लीजिए। ये दोनों अंतर्राज्यीय हथियारों के सौदागर हैं जो क्राइम की दुनिया में अपना सिक्का चमकाने वाले अपराधियों के लिए हथियार बेचने का काला कारोबार करते हैं। जिन अपराधियों को ये हथियार दिया करते हैं वो लोगों की सांसों को छीनने का ठेका लेते हैं। वह हथियारों के दम पर किडनैपिंग कर फिरौती मांगने व लूट डकैती जैसी वारदातों को अंजाम दिया करते हैं। ये उनके मददगार हैं और उनके साथ ही बिजनेस करते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से सस्ते हथियार लाकर ये उनको महंगे दामों में बेचकर मोटी कमाई करते हैं, जिन्हें पुलिस ने अपने गुप्त सूत्रों की मदद से सोहना के अग्रसेन भवन के पास उस समय काबू किया है जिस समय ये दोनों एक बैग के अंदर अवैध हथियार भरकर कोसी मथुरा से मोटरसाइकिल पर बेखौफ सवार होकर हथियारों को बेचने के लिए गुरुग्राम आ रहे थे। लेकिन पुलिस ने इन दोनों को मोटरसाइकिल सहित दबोच लिया, और जब पुलिस ने उस बैग की चैन खोली जिसे ये लेकर आ रहे थे तो पुलिस के भी होश हो गए। पुलिस ने बैग के अंदर से 11 पिस्तौल, 12-22 मैगजीन व 15 कारतूस बरामद किए, जिनको ये उत्तर प्रदेश से 15-16 हज़ार रुपए के हिसाब से खरीद कर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों के अपराधियों को 50-60 हज़ार रुपए में बेच दिए। इनका ये काला कारोबार काफी समय से चल रहा था। तो अभी हम इनसे पूछताछ करके सारी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कहां कहां सप्लाई करते हैं और इन्होंने अब से पहले कहां बेचे हैं और ये किस किस के संपर्क में थे। हम उन सब के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। कुलदीप और मुकेश कुमार हैं जो दोनों कोसी मथुरा के रहने वाले हैं यूपी के, और ये हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली में ये हथियार सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। इनसे सारी चीज़ों की जानकारी हम ले रहे हैं और ये काफ़ी टाइम से इस धंधे में शामिल थे। हम क्योंकि अभी हमने उन सब के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो उस चीज़ के बारे में अभी से डिस्क्लोज कर पाना संभव नहीं है, लेकिन हमने सारी पूछताछ की है और उन लोगों के खिलाफ भी हम कार्रवाई करें। आरोपियों ने अभी तक की पुलिस पूछताछ में यह खुलासा किया है कि ये पहले भी कई बार पलवल, होटल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली इत्यादि स्थानों पर हथियार सप्लाई कर चुके हैं, लेकिन गुरुग्राम में ये पहली बार हथियार सप्लाई करने के लिए आए थे। आरोपी कुलदीप अपाहिज और मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है, वहीं दूसरा आरोपी मुकेश फरीदाबाद एक कंपनी में काम करता है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। पुलिस रिमांड के दौरान यह जानकारी जुटाएंगे कि आरोपियों ने अभी तक किस किस अपराधी को और किस किस राज्य में हथियार सप्लाई किए। गुरुग्राम से हरियाणा बरदान के लिए चंदन राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा बरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।